हेलो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी खेत जाके जो कैसे मसूर का दाल का जो होता है, मसूर दाल जो होता है उसको कैसे उखाड़ा जाता है, फिर उसको कैसे घर मतलब लाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसका दौनी होता है, फिर उसको साफ़ करके फिर हमारे पैकेट में आता है और हमारे शहर में मिलता है, और कितना किसान धूप में कितना मेहनत करते हैं वो सब आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। आप लोग ब्लॉग में प्लीज़ बने रहें और आगे का वीडियो देखें। ओके, चलिए आज हम आपको खेत जाके दिखाएंगे जो किस तरह से मसूर को उखाड़ा जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर कैसे दाल बनता है। ब्लॉग में प्लीज़ बने रहें। गाइज, हम खेत पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो खेत में हमारा जो लेबर है वो मसूर का जो पेड़ है उसको उखाड़ रहा है, इतना स्पीड से उखाड़ रहा है। ये सारा खेत हमारा है, आप देख सकते हो हमारे खेत में कितना सारा मसूर लगा हुआ है। उसके बाद इसको उखाड़ेंगे, देख सकते हो ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। ये तो सुबह 4-5 बजे आ जाते हैं खेत में और फिर इतना मेहनत करते हैं धूप में, फिर भी इन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं जितना बाहर के लोगों को जो होता है ना दुकानदार, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हमारे किसान भाई पीछे ही रह रहे हैं, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो जो पैकेट में जो दाल मिलता है उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। दाल क्या, कोई भी अनाज, किसी भी अनाज को लाने के लिए मतलब उगाने में, उसको काटने में, फिर उसको जो सफाई उफाई करने में कितना मेहनत होता है, फिर भी किसान को इतना कम दाम मिलता है। आप लोग देख सकते हो ये खेत में कितना सारा मसूर लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको निकालने में उतना ही मेहनत होता है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। ये देख रहे होंगे ये जो मतलब खेत का जो सीमा होता है ना, थोड़ा थोड़ा जो मिट्टी डाल के ऊँचा किया रहता है उस पर पूरा अरहर लगा हुआ है, अरहर अरहर गेहूँ मटर मसूर ये सब एक ही टाइम में होता है, 10 दिनों का आगे पीछे होता है। अभी पूरा वो खेत, तो यहाँ पे किसी ने मतलब वो मसूर का जो होता है उसका थ्रेसर से मतलब रंभा से मशीन द्वारा साफ करके रखा है। हमारा तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो खड़ी रहा है, हमारा जब होगा तो उसका भी वीडियो बना के हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप ऐसे देख लो ये पूरा मसूर उखाड़ के इकट्ठा करके रखा हुआ है, फिर अभी और मशीन आएगा तो फिर इसको भी उसके द्वारा पूरा वो दौनी होगा, उसके बाद फिर इसमें खेसारी अलसी मसूर ये मसूर का दौनी होने के बाद भी प्रोसेस होता है, दाल का सफाई करने के बाद ही दाल को खाया जाता है। इसके लिए आप देख सकते हो दाल का सफाई किस तरह से हो रहा है। ये दौनी होने का बाद का दाल है, इसके बाद फिर ऐसे साफ किया जाता है, इसमें से कितना गंदगी निकलता है आप देख सकते हो। उसके बाद फिर अच्छा दाल बन के इस टोकरी में आ जाता है। आप देखिए हमारे घर पे कितना सारा दाल हुआ है। चलिए इसी वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट कर दी हूँ। ओके, बाय बाय।